हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य इस नीति को 2025 तक लागू करने का है। उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य इस नीति को 2025 तक लागू करने का है। आज भारत 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक नई व्यवस्थाएं बना रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के 5 आधार स्तंभों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समावेशी और प्रेरक नीति है जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली का सुधार और परिवर्तन करना है। नई नीति रोजगार क्षमता से उद्यमिता की ओर बदलाव को दर्शाती है और यह नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी पैदा करने वालों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। शिक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिशा देने का काम किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्ता को समझते हुए इस नीति को साल 2030 की बजाय साल 2025 तक ही पूरे प्रदेश में लागू करने का लक्ष्य रखा। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को 30 अगस्त 2021 से लागू करने की शुरुआत की गई थी। इसका एक लक्ष्य साल 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50% से अधिक करना है। इस दिशा में भी हरियाणा प्रदेश काफी आगे है। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 32% है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50% के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समक्ष ले आएगी। यदि आप नई शिक्षा नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे तो भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।